वेलकम टू टाइम्स पंजाब शो गोल्डन टॉक्स शिप्रा अपने सपनों को पंख देकर तो हर कोई उड़ना चाहता है लेकिन हर कोई उड़ नहीं पाता उड़ता वही इंसान है जिसके अंदर एक पैशन होता है स्पिरिट होता है आज हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड लुधियाना को बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाया है जी आ, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिस्टर रजनीश शर्मा से बाय प्रोफेशन ही इज अकाउंटेंट और थ्री ईयर्स की एज में उन्होंने ग्लोबल रनिंग इवेंट में 6,333 किलोमीटर को 100 डेज में रनिंग करके फर्स्ट प्राइज विन किया है आपका ज्यादा टाइम हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे चलिए

तो सर मेरी एफर्ट्स प्लस मेरी पूरी टीम की एफर्ट्स के बाद जब मैंने इसे टॉप पे जब आप पहुंचते हो तो वो अच्छा फील करते हैं बहुत अच्छा फील कर रहा सर जैसे हमने मेंशन किया यू आर 53 ओल्ड प्रोफेशन आप अकाउंटेंट तो इस फील्ड से निकल के ये आप में कैसे एक पैशन हुआ रनिंग का बिकॉज आजकल के टाइम पे हम देख रहे हैं हर कोई सोशल मीडिया फ्री के घर बैठ के इंडोर वो लोग इंटरनेट पे ही बिजी रहते हैं बट आपके माइंड में कॉन्सेप्ट कैसे आया आपने रनिंग कब से स्टार्ट की बेसिकली मैं पहले से ही स्पोर्ट्स में हूँ स्टार्टिंग से ही जब मैं सीए करता था देन मैं क्रिकेट खेलता था उसके बाद रनिंग रेगुलर पार्ट है हमारी इस लाइफ का पी हमारा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दैट इज़ द बेस तो वहाँ पर हम रेगुलरली रनिंग करते हैं तो जो मेरा बेस है वो तो पहले से ही तैयार था तो मैंने 2016 से जो फर्स्ट हाफ मैराथन लगाई देन अराउंड 50 हाफ मैराथन अराउंड द इंडिया में लगा चुका हूँ फुल मैराथन भी दो तीन चार लगा चुका हूँ देन एच डी ओ आर जिसका जो फिफ्थ एडिशन है मैंने 2018 से शुरू किया था देन 2019 थाउजेंड 2018 में मैंने लुधियाना पंजाब फर्स्ट आया था देन 19 में भी लुधियाना फर्स्ट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड तो अब मैं फर्स्ट हूँ तो ये पैशन मेरा जैसे मेरा सी एं जो टाइम मेरे को हर बंदा यही क्वेश्चन करता है कि यार तू तो टाइम कैसे मैनेज करता है तो मैं टाइम जब लोग सारे सुबह सो रहे होते हैं देन वो मैं टाइम मैनेज करता हूँ अराउंड फाइव थर्टी मैं ग्राउंड पे होता हूँ देन उसे टू आवर्स की डेली प्रैक्टिस है हमारी देन उसके उस टाइम को निकाल के मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ तो प्रोफेशन भी मेरा चल रहा है ये रनिंग भी मेरी चल रही है और मैं रनिंग के साथ साथ साइकिलिस्ट भी हूँ मैं साइकिलिंग भी करता हूँ मैं दो बार एस आर हूँ बोलते हैं फिफ्टीन किलोमीटर टू हंड्रेड थ्री एंड सिक्स मैं दो बार कर चुका हूँ तो साइकिलिंग एंड रनिंग मेरी लाइफ का पार्ट है तो हमें आपकी इतनी सारी ट्रॉफीज और मेडल्स देख के पता लग रहा है तो सर आपको ऐसा लगता है कि जो आजकल के यंग जनरेशन है उन्होंने अपने आप को किस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है बिकॉज जैसे हमने बताया सोशल मीडिया आजकल की जनरेशन बनती जा रही है तो आपके अकॉर्डिंग इस चीज से से फिजिकल एक्टिविटीज और रनिंग वॉकिंग से हम लोग काफी ज्यादा पीछे होते जा रहे हैं आज के टाइम पे बिल्कुल तो जो यंग जनरेशन है वो ज्यादातर वो इंटरनेट फेसबुक ऐसा नहीं मैं कहता मैं फेसबुक पे नहीं रहता वो सारा दिन उनको आउटडोर कुछ नहीं लेना देना और ज़्यादातर जो पंजाब की ज़्यादा प्रॉब्लम है दैट इज़ ड्रग्स ज़्यादातर नशा क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में नशा कोई भी नहीं किया कोई भी नहीं कभी नशा इस, इसी का कारण है कि मैं फिफ्टी थ्री ईयर में भी मैं भाग रहा हूँ ठीक है तो जो यंग जनरेशन है उनको यही बोलना चाहता हूँ कि बाहर निकलो एक्सरसाइज करो रनिंग करो साइकिलिंग करो इससे बाहर निकलो सारे काम जरूरी हैं पढ़ना भी जरूरी है

ऑनेस्टली टाइम कम ही क्योंकि हंड्रेड डेज़ में मैंने नहीं लगता कि फैमिली को टाइम दिया कई बार कई स्टेज पे मेरी वाइफ भी और मेरे बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं मेरी बेटी साथ में आई है तो देन क्योंकि हंड्रेड डेज़ में फैमिली को टाइम के साथ साथ मैं ऑफिस में भी टाइम नहीं इतना दे पाया क्योंकि अराउंड नाइन टू टेन आवर्स की डेली रनिंग थी मेरी ठीक है सुबह मैं थ्री थर्टी चलता था दस बजे तक उसके बाद मैं घर आके रेडी होकर ऑफिस जाता था और मैंने हंड्रेड डेज़ पूरे ना कोई साइकिल ना कोई मैंने कार चलाई ना मैंने स्कूटर चलाया रेगुलरली मैं पैदल ही ऑफिस जाता था पैदल ही वापस आता था पैदल ही और पूरे दिन में मेरे को लगता मेरे को चार बार नहाना पड़ता था क्योंकि अगस्त में बहुत ज़्यादा गर्मी थी ह्यूमड थी तो घर वालों ने भी उनको भी पता था मैंने बोला था कि इस बार मैं शायद टॉप कर जूँ मेरे को इस बार सपोर्ट कर दो उन्होंने किया भी पर उन्होंने साथ में मेरी वाइफ ने ऐसा भी बोला कि आप हर बार ही ऐसा बोलते हो बोलता ऐसे ही हो मैं हर बार 18 में भी ऐसा ही किया मैंने 19 में भी 20 में बट इस बार मैंने प्रॉमिस किया कि अगली बार इस तरह नहीं भागूंगा कि चल नॉर्मल एवरेज 10 15 ऐसा ही करूंगा बाकी देखते हैं अगले साल क्या होगा आपकी फैमिली वालों की फ्रस्ट्रेशन आज प्राउड में कन्वर्ट हो गई हम कह सकते हैं तो सर जैसे वहाँ पे अगर हम रिलेटेड उन, uh, उनसे पूछे कि uh, जिस इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया था तो आपने अप्रोक्सिमेटी अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड कंटेस्टेंट्स को आपने पीछे छोड़ा है तो उसमें कितनी एज कैटेगरी के जो कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 18 वे उसकी पूरी मेरी एज कैटेगरी में मैंने कल परसों चेक किया कि मेरी एज कैटेगरी में ही वन थाउजेंड थे कम से कम जिसमें मैंने टॉप किया क्योंकि अगर मैंने इसे कंपीट किया तो सबसे पहले मैंने अपनी एज कैटेगरी को ही टारगेट किया था मेरे ऊपर मनोज कुमार था ही वॉज़ अराउंड फाइव हंड्रेड हर्ट तो उसको मैंने सबसे पहले टारगेट किया जब मैंने उसे कम्पीट किया तो मैं सेवन या प्लेस पे इंडिया पे आ गया था बस फिर चलता गया चलता गया तो मैं फर्स्ट पे पहुंच गया हम आपसे जरूर पूछना चाहते हैं हैं कि कहते हैं कि कहते हमारे साथ एक, एक हमारा राइट हैंड होता है में मेरे को अगर राइट हैंड और जो मैक्सिमम जिस बंदे ने हेल्प किया वो अशोक मल्होत्रा जी इनका नाम ले रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं जस्टिफाई ना करूँ मेरे साथ हमारे बड़े भाई साहब हैं सुखदर्शन पुन्नी जी अश्विनी ठाकुर इनका क्या रोल रहा मैं अभी एक साल से अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ द्वारा सा ये बाई प्रोफेशन आर्किटेक्ट हैं तो ये बनवा रहे बना रहे हैं इस बंदे ने हंड्रेड डेज मेरे को बिल्कुल भी तंग नहीं किया मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया कोई चीज़ चाहिए कोई कहीं पे पैसा इन्होंने ना मेरे से कोई पैसा मांगा ना कुछ नहीं कहा अपने आप ही मैनेज करते रहे आप चले रहो चले रहो आ जब मैंने हंड्रेड डेज खत्म किया अब कल ही जी बोल रहे थे अब हमें भी टाइम दे दो हम उसे कंप्लीट कर लें क्योंकि मेरी पूरी टीम डॉक्टर घुमन है तो ये मेरे साथ साय की तरह रहे और सबसे बड़ी मैं क्योंकि पहले दो इंटरव्यू मैंने तीन दिए हैं उसमें मैं भूल गया सबसे पहले मेरा मेरे को भगवान की ब्लैसिंग्स रही उसके बाद मेरे घर के क्योंकि क्यों घर वालों ने सपोर्ट की मेरे मदर हैं वाइफ बच्चे हैं उन्होंने मैं सुबह जा रहा हूँ तीन साढ़े तीन बजे रात को ग्यारह बजे आ रहा हूँ वो जाग रहे हैं इनकी सपोर्ट रही और ये साय की तरह मेरे साथ रहे और बाकी टीम डॉक्टर गुमन अभी आए नहीं हैं वो पूरी मैनेजमेंट चेक करते थे मेरी इसमें कैसे चलता है मेरे को हर बंदे ने क्वेश्चन किया कि आप कैसे भागते कहते थे हमारे पास मेरे पास एक गार्मिन की वॉच है वो स्पोर्ट्स वॉच है उस पर जब आप भागते हो तो उस पर वो रिकॉर्ड होता है एक स्टावा ऐप है उसको कनेक्ट किया जाता है आपकी फेसबुक के साथ तो गार्मिन से स्टाबा पे स्टाबा वे एच जो हमारे उसमें क्या रहता है कि हार्टवियर केडर्स की एक चीज रहती है आप भाग रहे हो तो आप तो स्कूटर पर भी जा सकते हो हार्ट बीट और केडेंस आपको बताती है कि आप भाग रहे हो कि स्कूटर पे जा रहे हो क्योंकि जब आप स्कूटर पे चलोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी हार्ट बीट कम हो जाएगी वो वहाँ पे पूरी आईटी की टीम बैठी है वो आप चेक करती है वो आपको वहाँ पे डिसक्वालीफाई कर देती है मेरे यहाँ पे वो तो चेक थे हमारे यहाँ पे मेरे डॉक्टर घुमन है वो इसमें पूरे एक्सपर्ट हैं एक दिन क्या हुआ मेरी स्टाफा ने मेरे को प्रॉब्लम दे दी इमीजिएट मेरे को फोन आया कि आज जो तूने रन किया है तो उस रन में क्या तूने स्कूटर पे किया मैं कह नहीं मैंने भाग के किया कहते वो शो कर रहा स्कूटर मैंने कहा कैसे उसका तेरी हार्ट आ, हार्ट बीट आ, रेस स्पीड ज़्यादा है हार्ट बीट काम है। फिर मैंने अपनी घड़ी चेक करवाई उन्होंने उसमें प्रॉब्लम थी उन्होंने चेक किया फिर डॉक्टर गुमन का एक ही काम था मेरी हर एक्टिविटी रोज चेक करते थे वो वो ठीक है कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं क्योंकि अगर हाथ से निकल गई तो मैं वहां पे डिस्कालीफाई हो जाऊंगा उन्होंने मेरे को बाहर निकाला अब मैं टॉप कर गया अगर एक दिन भी निकाल दो तो मैं पता नहीं बीस हजार नीचे पहुंच जाता तो चलिए अब तो आपको मिलवाते हैं रजनीश शर्मा जी के सपोर्टिव हैंड अशोक मल्होत्रा जी से जो उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं और उनसे पूछेंगे आपने किस तरीके से सर को मोटिवेट किया हेलो सर, सर को मोटिवेट तो सर को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है जब इन्होंने शुरू किया तीन चार दिन पांच दिन हुए थे इनको तो इसके बाद इन्होंने बोला मेरे को फोन आया इनका शोक मल्होत्रा मेरे साथ चलेगा तो मैं उसी वक्त बिल्कुल रेडी था भगवान भोले शंकर की कृपा से इन्होंने जो कम्प्लीट की है बहुत अपार कृपा रही है क्योंकि इसमें मैं भोलेनाथ का बहुत भगत हूँ तो सबसे पहले मैं मंदिर जाता था उसके बाद इनको पकड़ता था साढ़े तीन बजे ये सुबह सुदर्शन पुन्नी जी हैं हमारे दोस्त हैं बी आर एस नगर रहते हैं उनके घर ये सुबह साढ़े तीन पहुँच जाते थे साढ़े तीन से लेकर साढ़े सात बजे तक ये उनके साथ रनिंग करते थे इनकी साढ़े तीन से साढ़े सात बजे तक पच्चीस से लेकर तीस किलोमीटर रनिंग हो जाती थी उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए घर जाते थे तब तक मैं मंदिर से आके साढ़े आठ बजे तैयार होता था तो हम पी में मिल जाते थे तो पी में जा, जाके न, रनिंग करनी सारा कुछ करना इनके लिए नींबू पानी जो भी फीड इनको चाहिए तो मैं लेके जाता था इनके साथ साथ मैंने पाँच हजार किलोमीटर रनिंग मेरी भी हुई है अगर तेरह सौ तेती बकाया बची है तो वो हम स्कूटर साइकिल और कार क्योंकि यहाँ से लुधियाना से हम डेढ़ दो बजे निकल जाते थे मौके के लिए तो इनको स्पोर्ट के लिए कार चाहिए लैट चाहिए तो आगे आगे ये रनिंग कर रहे हैं तो उसके बाद मैं कार लेके सात साल चल रहा हूँ तो बहुत बढ़िया रहा है सौ दिन मैंने भी काम नहीं किया तो मैं फैशन बिजनेस मैन हूँ यार का काम है मेरा पर मैं सौ दिन काम नहीं किया तो उसके लिए भी टेलीफोन हमें आता रहा है अश्विनी ठाकुर जी या दोस्त क्योंकि घर बना रहे थे इन्होंने तो मुझे उनका असिस्टेंट और पी बोल दिया था भी रजनीश शर्मा को मिलना है तो कैसे मिलें ये बिल्कुल सच है जी ये बिल्कुल सच्चाई है सुदर्शन पुन्नी जी हैं विजय मित्र जी हैं इनको भी अगर कोई काम होता था ये भी साइकिलिस्ट रहे हैं विजय मित्र जी बहुत बहुत तगड़े वर्ल्ड वाइज तो इनका भी फोन आना यार जनीश शर्मा से शोक मल्होत्रा मिलना कैसे मिले तो मैंने इनको ग्राउंड में जाके बोलना भी ऐसे ऐसे, ऐसे अश्विनी का फोन आया वो कहते हैं अश्विनी अपने आप करेगा अश्विनी ठाकुर ने घर बनाया जी सौ दिन में कुछ नहीं पूछा इसने हमने तो सारा दिन हमने रनिंग किया अगर दस घंटे रनिंग किया तो छः घंटे मैंने भी इनके साथ ही किया तो दो तीन घंटे भी हम रेस्ट नहीं कर पाए रात को दस बजे हम जाते थे हमारे साथ थोड़ा सा एक हादसा भी हुआ इनके साथ भी हुआ मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ बाई नौ दो हज़ार बीस को मुझे कम से कम आठ दस डॉग्स ने घेर के यहाँ से नीचे से सारा मुझे ये हॉस्पिटल लेके गए मुझे उसी वक्त इनको मैंने फ़ोन किया इनको मैं ढूंढ रहा था नींबू पानी देने के लिए तो पी ए में है सीनियर सेकेंडरी स्कूल उसके पास आठ दस डॉग बैठे थे तो मैं कहा शायद मैं निकल जाऊँगा नींबू पानी की बोतल मेरे हाथ में थी तो उन्होंने बोतल देख के ऐसा लगा भी मेरे पास क्या है तो उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया तो अमन हॉस्पिटल आया जो मुझे लेके गए रजनीत जी मैंने इनको फ़ोन किया दो ढाई मिनट में ये भी पहुंच गए मैं एक दिन वहाँ हॉस्पिटल रहा हूँ पर उसके बाद उन्होंने बोला था एक हफ्ता रेस्ट करना क्योंकि दो दो तीन तीन इंच डीप था पर मैंने उस तो उससे अगले दिन दाखिल होने के अगले दिन हमने बाई तरीक को कन्वे किलोमीटर लगाई दोनों उस एक्सीडेंट के बाद भी आपने अपनी हिम्मत हौसला नहीं खोया और उस शेडो की तरह उनके साथ रहे हाँ, हम तो यही चाहते हैं आने वाले टाइम पे भी आप शेडो बन के ही सर के साथ रहे हाँ डॉक्टर साहब ने ये बोला था भी टांके लगेंगे मैं कहा टांके अभी मैंने लगवाने नहीं क्योंकि बाई तेईस तरीक होगी थी इनके रह गए थे सिर्फ दस ग्यारह दिन दस ग्यारह दिन में हमने आठ नौ सौ किलोमीटर खींची है जोर से तो उसके बाद मैंने फिर इलाज शुरू करवाया उसके बाद मैं फिर दो दिन हॉस्पिटल आऊँ अमन हॉस्पिटल डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हैं उन्होंने बहुत हेल्प की इनकी भी मेरी भी इवन इनके भी नेल उतर गए हैं पैर से मेरे भी नेल नहीं है आज हम आपको दिखा सकते हैं हमारे नेल नहीं है पैरों में कुछ काले पड़ गए हैं कुछ निकल गए कुछ कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है तो सर आज आप पारस डिजाइनर शोरूम पहुंचे और सर की तरफ से आपको ऑनर भी किया जा रहा है तो कैसा फील कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि संजीव जी से मैं अराउंड लास्ट ट्वेंटी से मैं जानता हूँ क्योंकि जो मेरे छोटे भाई हैं बहुत देर से हमारा एसोसिएशन है तो अगर लुधियाना में कोई बहुत ही अच्छा बंदा है जो बहुत दिल से खुश होता है किसी बंदे की ऐसी सक्सेस पे है, तो वो संजीव है और नहीं बाकी सारे ड्रामे हैं कि ऐसे कर लिया वैसे कर दिया वैसे कर दिया नो no, इनकी आंखों में इनकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आता कि ये बंदा खुश है और जिस दिन मैंने ये क्लोज़ किया तो मैंने अपने ग्रुप्स में डाला था कि इस वक्त हम लास्ट क्लोज कर रहे हैं तो आप सारे पहुंचे इनको रास्ते में कोई काम पड़ गया इनका फ़ोन आया संजीव का कि भैया मैं लेट हो गया हूं तो आप उधर हो मैं क्या संजीव जब तक आप नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा हमने क्लोज कर दिया लाइव हो गए सारा फिनिश हो गया मैं वहाँ वेट किया तो ये मेरे पास गढ़वासू में वेटनरी कॉलेज में आए तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे संजीव ने सिक्सटी थ्री थ्री किया क्योंकि बंदे की आंखों में और बॉडी लैंग्वेज में समझ आता है तो मज़ा उसके साथ ही आता है कि जो आपकी सक्सेस पे खुश हो कई जेलस रहते हैं बट जो सक्सेस पे खुश हो इनकी पारस डिज़ाइनर ने अगर

थैंक यू टाइम स्टूडियो फॉर कमिंग टू माई स्टूडियो एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रजनीश शर्मा जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है ये लुधियाना के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए बड़े एक प्राउड मोमेंट की बात है कि जो पूरी दुनिया में हमारे लोगों का सर ऊंचा हो गया है और हम बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं और हमारे साथी हैं और बड़ा पुराना रिश्ता है इनके साथ सो so, मैं इनके आ, हमेशा इनके लिए दुआ करूंगा कि आगे भी इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाते रहें और हम लोगों के लिए इसी तरह खुशियां लेके आते रहें हमारी तरफ से हमारी पारस डिज़ाइनर पूरी परिवार की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक पूरी लुधियाना रनर्स को और पूरी टीम जो इन इनकी सपोर्ट में रही है इस्पेशली अशोक मल्होत्रा जी और बाकी टीम को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इनका साथ दिया और आज इस मुकाम पर बैठे हैं कि हम

तो अगर आपको मौका मिले आपको ज़रूर कुछ घंटे अपने सेहत को देने चाहिए जैसे रजनी शर्मा जी ने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी डिटेल से मेंशन कर दिए हैं और हमारे पास और बड़े क्वालिटी एथलीट्स बैठे हैं अश्विनी ठाकुर जी हैं पुन्नी जी हैं मित्र साहब हैं जो 65 फाइव ईयर्स के हैं और इन्होंने अभी तक रनिंग कर रहे हैं और अब रनिंग छोड़ी नहीं है सो हमारा जो ग्रुप है वो एक मिसाल है लुधियाना के लिए नहीं पूरे पंजाब के लिए मिसाल है तो हमारा मैसेज यही है कि नशे से दूर रहो और सेहत को अपना मद्देनजर रखते हुए ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे हम समाज को कुछ दे सकें थैंक यू तो आपने देखा ये थे हमारे साथ तीन पर्सनालिटीज जिनसे हमने आपको मिलवाया बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की मिस्टर रजनीश शर्मा जी मिस्टर अशोक मल्होत्रा जी एंड मिस्टर संजीव जिन्होंने हमसे शेयर किया कि इस टाइम हमारा जो यूथ है ज्यादातर इंडोर रहना पसंद करता है सोशल मीडिया लवर हो चुका है बट हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज को इम्पॉर्टेंस देना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा रजनीश शर्मा जी से स्पेशली मिलकर जिन्होंने लुधियानवी को लुधियाना सिटी को वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाया है थैंक यू सो मच कैमरा मैन अमन दीप के साथ शिप्रा बसरीजा टाइम्स पंजाब टीवी